Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। हम सभी सभी विधायक जनता ने चुना है, उनका काम और उनका काम सरकार को बनता है और उनकी आवाज जनता की आवाज सदन में गूंजती है। सदन में गूंजती है, सरकार उसको पूरी गंभीरता से लेती है और उसको कानून पर कार्रवाई करती है। इस तरह से बाधा पहुंचाना हम पहले भी अपील किए थे और आपके बाद आप सदन के बाद आज भी अपील करते हैं सदन को निर्बाध ढंग से चल। अब उनका जवाब मेरे पास नहीं है। जो नारी सशक्तिकरण का वो रुपये बजट में दिया हुआ है तो उनके कहने से कम है, लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल जब स्टेटमेंट का बयान हमारे पास नहीं है। विपक्ष क्या कहता है वो अपना तरीका से कहता है, लेकिन हम कैसे कहते हैं कि महिला के खिलाफ का है जब महिला सशक्तिकरण का बराबर कहते रहे चुनाव घोषणा पत्र में है, इसमें भी महिला सशक्तिकरण का कुटीर लोगों को किस तरह से समृद्ध बनाया जाएगा, सारी सुविधाएं का प्रावधान उसमें किया गया है। इसलिए ऐसी बात नहीं है जिसका कमेंट का जवाब होगा। फ्रिकी की योजनाओं पर यदि आप गौर करें कि कृषि क्षेत्र में जो किसान बोझ के तले दबा हुआ था ऋण के बोझ से, उनको थोड़ा उबारने का प्रयास किया, फिर उनकी फसल की उपज अधिक हो, उनको बाजार मिल सके, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। बिजली जो एक संकट था, लोग गरीब लोग बिजली के कनेक्शन कटवा रहे थे इस महंगी बिजली के कारण, उन्होंने स्वयं उसका खड़ी किया। इतना ही नहीं, जो पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसको रोजगार के रूप में देखा जा सकता है, उन चीजों को भी बढ़ावा दिया। और छात्रों को एक से लेकर 12 तक सभी छात्र थे, वो समन्वय वर्ग और सब उन्होंने ताकि हम छात्र देखिए तमाम चीजों को यदि आप गौर करें आपको लगेगा कि ये बजट बेहतर बजट है, सबको ध्यान रखा गया है और झारखंड के विकास का सहयोगी बजट है। कुछ आपके जो विपक्ष के जो माननीय लोगों को भी थोड़ा शालीनता बरतने की जरूरत है। आज जिस तरह से उनका आचरण का साधन और जब स्पीकर महोदय उनको कहा है हमको थोड़ा समय दिया जाए, इस नियम कानून का मामला है और आपका महाधिवक्ता से विदाय दिया जा रहा है, तो उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। जब ऑलरेडी काम चल रहा है तो इस तरह का आचरण जो सदन में होना ये बिल्कुल कहीं से अच्छा नहीं है। ये तमाम माननीय लोगों के लिए, इसलिए विपक्ष लोगों को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। हमको इस तरह का आचरण करके क्या बताना चाहता है, विशेषकर आसन को हाइजेक करना चाहता है क्या, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सदन में जो गतिरोध हो रहा है इसके चलते जो सवाल पूछे जा रहे हैं माननीय सदस्यों के द्वारा और सवाल आ रहा है, पदाधिकारी तो चाहते हैं कि सवाल पर डिस्कशन ना हो, सवाल पर जवाब तलब ना हो, और जितने भी सवालों का जवाब आप देखेंगे पूरा गोल मटोल इस तरह का शब्दों का यूज किया जाता है कि आप उसको बिल्कुल लगता है कि सबसे ज्यादा जानकारी पदाधिकारियों को ही है। जैसे कतिपय कारणों से ये काम को नहीं किया गया, ये क्या हो गया, छंद कर दिया गया, मैंने छंद कर दिया, मैंने खत्म कर दिया। आपके पास में एक आपके पास हमारे पास आधी का एक सवाल है एमबीआई से रिलेटेड, एमबीआई में जो भर्ती किया गया विधिवत विज्ञापन आया, आपका चयन आयोग के माध्यम से आपका आवेदन मंगाया गया। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।